श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कासु विरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां देहोऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः समुत्सृज्यतां। हम लोग देख रहे हैं वाक्यार्थश्च विचार्यतां, क्योंकि ये मुख्य है, यही आधारभूत है बाकी सब उपदेशों के लिए। वेदो नित्यम अधियताम किस लिए कर रहे हैं? पर ब्रह्मात्मनास्थियताम के लिए। और ब्रह्मात्मनास्थियताम का जो है वो जो स्थिति को प्राप्त करना है, तो पर ब्रह्म स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करना है तो वाक्यार्थश्च विचार्यताम ये अनिवार्य है। जो भी पूजा जपादि साधना जो करते हैं वो सब क्या है, यहाँ तक लेके आने के लिए मात्र है, इससे आगे कहीं नहीं लेके जाएगा। लोग जो है ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि साधन जपादि से ही जो है मोक्ष सिद्धि हो जाएगी बोल के जो है समझते हैं। कहते भी लोग जो है कहते भी सब जो रास्ता है भगवान के और सब रास्ता, आप जो भी रास्ता पकड़ोगे वो सब जो है भगवान की ओर वहीं लेके जाएगा, वहीं लेके जाएगा। मतलब वो भगवान का जो है नाम मात्र लेने से काफ़ी है। क्यों? नारद महर्षि इत्यादियों को जो है पुराणों में ही बता रहा हूँ, जो सत्संग में जो है रह के उनका सेवा इत्यादि करने का आवश्यकता क्यों पड़ा है। तो एकमात्र भगवत नाम से जो है चित्त शुद्धि, सेवा से जो प्राप्त होता है वही चित्त शुद्धि, पूजा से जो प्राप्त होता है वही चित्त शुद्धि, ध्यान आदि से जो प्राप्त होता है वही चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि भगवान नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। सब साधना जो है, जो भी साधना है, आप जपादि करते हैं, भजन करते हैं, हवनादि करते हैं, जो भी साधना है आपको चित्त शुद्धि मात्र देगा, मन का निर्मलता मात्र देगा, आगे कहीं नहीं लेके जाएगा। मन निर्मलाते निर्मलाते निर्मलाता मन जब निर्मल हो जाता है उस निर्मलाते से क्या हम लोग गुरुजनों के पास जो है खींच के लेके आ जाते हैं, अपने आप लेके आ जाता है वो मन निर्मलता। तो इस कारण क्या है, हम लोग जो शास्त्र आदि का श्रवण में जो है प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से एक बात को जो है दृढ़तर इसमें स्थापना कर रहे हैं कि साधना से जो चित्त शुद्धि प्राप्त है तो उससे जो गुरु जो प्राप्त होते हैं, शास्त्र जो अध्ययन किया हुआ कर्म से और ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है वह हमारे लिए भगवान है। उसको छोड़ के दूसरा कहीं पर लोक में कोई भगवान प्राप्ति करने की इच्छा ही व्यर्थ है। वहां जाके क्या करोगे? वहां जाके कुछ करना नहीं है, वो मजा जो भी है वो भगवान ले रहे हैं, आप क्या करोगे? देखते रहना पड़ेगा। तो एक बात, अभी यहां से जो है भक्ति भक्त जब रहते हैं तब जो है भगवान का सेवा करना सब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों को एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? भगवत स्थित भगवान का जो स्थान है वहाँ पहुँचने का, हम तो हमारे लिए एक लक्ष्य है। अभी वो लक्ष्य भी छूट गया है क्योंकि आप वहाँ उसी स्थान पे है। अभी क्या होगा, ये जो भगवान है सामने बैठे उन्हीं के ऊपर ईर्ष्या हो जाएगा भक्ति के जगह पे। भगवान में जो भक्ति रखे है उसकी जगह पे जो है भगवान के ऊपर आपको जो है जलन लग जाएगा। अरे सब माल यही जो है भोग रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है भाई, जो भी बचा बचा है वही तो हम लोग का रहे हाँ, 56 प्रकार का भोग उनको है और हम लोगों को जो है क्या है। तो ये बात हम लोगों के अंदर एक तनिक मात्र भी आ गया तो हम भक्त कहना जो है लायक नहीं रहेंगे, भक्त नहीं रहेंगे।
तो ये सब वहां पर एक भिन्न रूप में, एक व्यवधान रूप में आ जाता है। और गुरु के पास जाने के बाद भी जो है वो जो शास्त्र बताते हैं, अरे तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो बोलने से मात्र थोड़ी जो है चल जाता है। हम लोगों के पास इतना श्रद्धा भी नहीं है, इतना जो है समर्पण बुद्धि नहीं है, जी गुरुजी बता दिया वो हो गया, बात समझ में तो नहीं आता है, श्रद्धा नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। तो वाक्यार्थश्च विचार्यताम, यहाँ आना ही पड़ेगा आपको, दूसरा रास्ता नहीं है। तो सब शास्त्र क्या करता है, चित्त शुद्धि की ओर लेके आता है, और चित्त शुद्धि के द्वारा आपको जो है ये जो शास्त्र में प्रवृत्ति होते हैं, शास्त्र में प्रवृत्ति के द्वारा जो है आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होंगे, यही रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए महाराष्ट्र में जो है कितना बड़ा भक्त है नामदेव, तो नामदेवी ही तो खेल रहे थे भगवान के साथ, वही है ना, नहीं ठीक है, तो नहीं महाराष्ट्र के है इसलिए जो है एक बार पूछ लिया, खुश हो जाएंगे। तो नामदेव महाराज जी क्या किए है, भगवान के साथ खेलते कूदते रहे, तो एक जो है आए है वो क्या नाम है उनका, जो कुंभार, तो वो आके जो है सबको परीक्षा कर रहे हैं, हाँ ये पका है, ये पका है, ये पका है। और नामदेव जी के पास जब आते हैं नामदेव जी, क्या करते हो, चल चल मेरे सामने से, तुम कौन हो मुझे चुने के लिए, हाँ पता है मैं कौन हूँ, ये बोल रहे क्या है भाई। तो बाकी सबको जो है ये थोड़ा और बाकी है या और पकना है, ये पक गया है, सब बोल दिए है। और जब नामदेव जी के पास आए थे, जब ये नामदेव जी का व्यवहार देखे, तब तुरंत बोल दिए ये पका नहीं है, बहुत कच्चा है। अब गुस्सा तो आता ही है, कब, भगवान के साथ खेलने वालों को भी, जब खेलते नहीं है, भगवान को दर्शन भी नहीं किया, हमारे बारे में क्या बात करना है, गुस्सा हम लोगों को नहीं आता है ऐसा थोड़ी कह सकते हम लोग। हाँ तो ये क्या करते हैं, भगवान जो है भगवान के पास जाते, अरे ये क्या बेकार के आए थे और जो है बेकार की बात कह रहा है, क्या कहा, ऐसा ऐसा सबको जो है परीक्षा करके बताए, ये आधा पक्को, ये पूरा पक्को, ये अभी जाना है थोड़ा बहुत, और मेरे पास जब आए थे मैं उनको छूने थोड़ी देता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भी छोटा थोड़ी हूँ। तो मैं बोला मत छो, तो उन्होंने मुझे कह दिया आप कच्चे हो, अभी कच्चा है ये। तो मुझे गुस्सा हो गया, क्या किया, उनको कुछ कहा नहीं है, मैं तुम्हारे पास आके जो है अपना जो मन का दुख है उसको जो है व्यक्त करने के लिए जो आया था। तब भगवान बताए, सही तो बताए उन्होंने, झूठ थोड़ी बताया, महात्मा लोग थोड़ी झूठ बोलते हैं, सही तो बताया, क्या मैं तुम्हारा साथ खेल रहा हूँ, ये सब वो सब तो है, गुरु के पास से तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है ना, तो इसलिए जो है गड़बड़ है। तब गुरु जी के पास भेजते हैं, और वो जो ऐसा महात्मा है सिद्ध पुरुष, जो एक पैर जो है शिवलिंग पे रखे है और ऐसा लेटे है पेड़ के नीचे, और ये जा रहे जाके देखा तो वहाँ शिवलिंग के ऊपर जो है पैर रखे एक महात्मा जो है ऐसा लेटे है, इनके पास भेजा है क्या, पेड़ तो वही है, स्थान तो वही है, जीपीएस लोकेशन भी जो है सेलफोन में वही दिखा रहा है, हाँ हम लोग ओके गूगल वहाँ जाओ बोल के जो है वो मार्ग देख के जो है घुमा के हम लोगों को लेके तो चला गया, टर्न लेफ्ट टर्न राइट इन 30 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऐसा कह के घूम के हम लोग पहुँच गए, तो स्थान ठीक ही तो स्थान है, मरी क्या गड़बड़ है, गूगल तो गलत नहीं बोलता है, गूगल भगवान है वो सब जानता है। तो अभी जो है सबको भगवत प्राप्ति पहले से हो गया, गूगल भगवान का प्राप्ति, तो अभी जो है ये जो बता रहे हैं यहाँ सामने ये कैसा है, इनको भगवत रूप में बोल के भेजे है और ये जो है सामने बैठे है वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इनको जो है कैसा मैं गुरु रूप में देख सकता हूँ। तो वहाँ से ऐसा सोच में जब पड़े हैं तब वो पूछ रहे अरे अच्छा वो पांडुरंग भेजा है क्या, जरा आ जा बेटा, इसको वो भी मालूम है,
तो सब जो है जब बताने के बाद जो है उनको उपदेश देने के पश्चात जो है ये बाबा जी जब बुलाते हैं, कौन अपना भगवान बाहर से जब बुलाते हैं ऐसा खिड़की के से ऐसे वैसे ही बुलाते हैं हम लोग मित्र को, ऐसा बोल के बुलाते हैं, अरे अभी नहीं आ सकता हूँ खेलने, अरे क्या क्या खेलना है, तुम बाहर मुझसे जो भिन्न है तो ठीक है। ये कब होता है? गुरु जी के पास जाके वाक्यार्थश्च विचार्यताम, जब हुआ है तभी ये होता है, तब तक कच्चा घट ही रहेगा। कितना भी हो हम लोग उत्तम रूप में, हम लोग को जो है अपने आप को माने, ये सब अपने आप को मानना ही है, मैं बड़ा हूँ, मैं तुम लोग जो है मेरे से आदम है, तब सब जो है आदम ही है, उत्तम है ही नहीं है। इसलिए परावरे ब्रह्म को जो है जब कहते हैं तस्मिन् दृष्टे परावरे के परावर शब्द प्रयोग करते हैं। परावर मतलब ब्रह्म का नाम है, क्यों ये दिया है वो नाम, पर भी जो श्रेष्ठ पद बताए हैं वो पद भी अवर है, नीचे है, इससे निकृष्ट है, इसलिए उसको परावर कहा है। तो वैसा परावर ब्रह्म जो है उसको प्राप्ति करने के लिए एकमात्र उपाय है वाक्यार्थश्च विचार्यता। इसलिए जो है आगे जो भी बताया यहाँ तक लेके आने के लिए और इसके नीचे जो भी बताने वाले हैं वो सब इसके आधार पर होने वाला फल है, इसमें दृढ़तरा निश्चय रूप से जो है बैठने के लिए स्थित होने के लिए जो है साधन मात्र है। यदि ये जो है छोड़ के आप दूसरा यहाँ ये जो 29 उपदेश है उसको पूरा जो है 39 उपदेश जो भी है उसको पूरा आप सिद्ध करवा दिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। वाक्यार्थश्च विचार्यताम, जबकि जो है अंतिम जो उपदेश है वो सब सिद्धि नहीं होगा इसका सिवा। एकमात्र रास्ता है वाक्यार्थश्च विचार्यताम, वाक्यार्थश्च विचार्यताम, दिमाग में जो है एकदम बिठा देना चाहिए, बाकी जो भी उपदेश है वेदो नित्यम अधीयताम प्रारंभ करते इसलिए वो याद रह जाएगा, बाकी कोई उपदेश नहीं याद रहता है। जो भी उपदेश याद रहता है या नहीं याद रहता है कोई फर्क नहीं है, एक उपदेश मात्र जो है याद रखना है वाक्यार्थश्च विचार्यताम। वाक्यार्थ कैसा विचार करना है, क्योंकि हम लोग जो है तत्त्वमसि आदि वाक्य को जो विचार करना है बोल के बताए, उसमें क्या है एक छोड़ के दूसरा जो है बिना छोड़ के और तीसरा क्या है आधा छोड़ के आधा नहीं छोड़ के, उसी के लिए हम लोग जो है उदाहरण भी थे थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो वैसा जो है आधा छोड़ के और आधा नहीं छोड़ के जो उदाहरण है वही जो है लक्षण हम लोग उपयोग करना है, क्योंकि शब्दार्थ से जो है वाच्यार्थ से काम नहीं बनने वाला है। मैं बिल्कुल वो ब्रह्म वो शिव वो ईश्वर नहीं बन सकता हूँ, इसलिए एकमात्र रास्ता है उसमें लक्ष्यार्थ लेने का। लक्ष्यार्थ लेना है तो कौन सा प्रकार का लक्ष्यार्थ, सब छोड़ के नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब छोड़ के जो है किसके संबंध में आप क्या समझेंगे, कुछ समझ नहीं सकते, ठीक है। बिना छोड़ के, अब बिना छोड़ के जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सर्वज्ञ है और ये किंचज्ञ है, तो यह बिना छोड़ के जो है अभेद बुद्धि नहीं हो पाएगा। तो दूसरा तीसरा रास्ता क्या है, यही है ये जो जहत अजहत लक्षण जो बताया है उसको हम लोग उपयोग करना, क्योंकि ये तर्क जो है जब भी ऐसा तर्क आता है हम लोगों का दिमाग जो है बंद हो जाता है। वाक्यार्थ से विचार करना है तो तर्क के आधार पर ही कर सकते हैं, बिना तर्क कुछ नहीं चलेगा, और तर्क जब भी आता है हमारा दिमाग जो है पूरा बंद ही हो जाता है। जैसा एक कहानी जो है बताए थे, आजकल कॉलेज में जो है आपको कॉलेज में ही काम करने वाला के जो है इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ से जो है आपको उठा के लेके चले जाते हैं काम पे, कॉलेज में से ही जो है चले जाते हैं, कैंपस इंटरव्यू कहते हैं उसको आजकल, ठीक है। अभी कैंपस में आया है इंटरव्यू करने वाला और आके पूछ रहा है, चलो भाई बताओ क्या है, चलो तुम जो है ट्रेन में जा रहे हो, अभी ट्रेन में बैठे हो, हाँ ठीक है मैं बैठा हूँ, तो ट्रेन में आग लग गई क्या करोगे, मैं बगल में जो खिड़की है उसको खोलूँगा, वेरी गुड आंसर, अच्छी सी आंसर है, खिड़की खोल दोगे। अभी इसको जो है ट्रेन का डब्बी समझ लो,
आतान वितान इसका इतना इतना है, ठीक है, इसमें इतना खिड़की है, और तुम्हारा खिड़की का हर एक खिड़की का आतान वितान इतना है, ठीक है, ट्रेन जो है इस दिशा से 80 किलोमीटर के स्पीड पे जा रही है और हवा उस दिशा से जो है 50 किलोमीटर के वेग से आ रही है, ठीक है। कितना विषय याद रखना है, ट्रेन का डब्बी का आतान वितान और उसमें कितना खिड़की है और हर एक खिड़की का आतान वितान और वो जो किस दिशा में जा रहे हैं और कितना तेज़ी से ट्रेन जा रही है और कितना किस दिशा से जो है हवा आ रही है और कितना तेज़ी से आ रहे हैं। अभी कमरा जो है, ये जो डब्बी ट्रेन का डब्बी जो है ठंडा होने के लिए कितना समय लेगा, थोड़ी जो है ऐसा बोल सकते हैं कितना समय लेगा बोल के, मालूम नहीं है। चलो थैंक यू, तुम जाओ, तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, उत्तर नहीं दे सकते तो कैसा नौकरी है। तो बाहर जाके जो है दूसरा अपना मित्र को बोलता है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं, भाई यहाँ पर कोई काम नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ, ये अंदर जाता है, वही प्रश्न, ये ट्रेन जो है जल रही है और जलने के समय ऐसा है, तुम क्या करोगे। हमें कोट पहना हो ना, कोट निकाल दूंगा, हाँ फिर भी जो है बहुत गर्मी चल रही है, मैं शर्ट को निकाल दूंगा, फिर भी आग बहुत गर्मी चल रही है, क्या करोगे। मैं अपना बनियन को भी निकाल दूंगा, और ज्यादा जो है गर्मी चल रहा है क्या करोगे, मैं मर जाऊं फिर भी वो खिड़की को नहीं खोलूंगा। खिड़की को खोलने से क्या पूछोगे, कितना हवा से कितना जल्दी, मैं मर भी जाऊंगा फिर भी वो खिड़की को नहीं खोलूंगा मैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग मर भी जावे फिर भी जो है वाक्यार्थश्च विचारितम् यहां पर नहीं आना चाहते, क्योंकि तर्क है वहां पर। ये उदाहरण क्या है, कहानी बोलने के लिए नहीं है, मजाक के लिए नहीं है, हम लोग जो है वो जो तर्क वहाँ पर जो लगाना पड़ता है, इतना सही है उसमें इतना तेज़ी से आ रहा है, तब यहाँ से ऐसा है तो कमरा ठंड कैसा होगा, ये सब जो कहानी जो गणित करना चाहिए, गणित के लिए हम लोग तैयार नहीं, गणित क्या है, तर्क है, तर्क करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हम लोगों को जो है पूरा सीधा सीधा जो है माल चाहिए, बस कुछ परिश्रम नहीं चाहिए हम लोगों को, सीधा फल चाहिए बस। ये यहाँ पर ऐसा यदि आपको चिंता है तो बिल्कुल वो चिंता को जो है तिलांजलि दे दीजिए, गंगा जी में डुबकी लगा के उसको भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वाक्यार्थस्य विचार्यताम, वाक्यार्थस्य विचार्यताम, वाक्यार्थस्य विचार्यताम करना ही पड़ेगा आपको। तो ये जहत अजहत लक्षण से जो है आपको विचार करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जहत अजहत लक्षण एकमात्र जो है रास्ता है, कैसा करेंगे इसको, तब जीव क्या है ईश्वर क्या है इसके बारे में हम लोग बता रहे थे। जीव क्या है ईश्वर क्या है, जीव ईश्वर ये भेद जो है उपाधि के कारण होने वाला भेद है, उपाधि के कारण होने वाला भेद है। ये पहले शब्द है उपाधि, उपाधि मतलब क्या है, उपसमीपम जो वर्तते जो है बहुत समीप में जो है उसका अपना गुण को आददीत इति उपाधि, अपना गुण को जो है ये आदान कर देता है, इसका नाम उपाधि है। हम लोग क्या उदाहरण देते इसके लिए, एक लाल फूल है या लाल कपड़ा है, उसके ऊपर आप जो है एक स्फटिक को रख दिया तो स्फटिक लालिमा प्राप्त हो जाता है, स्फटिक में तो लालिमा नहीं है, वो जो है कपड़े का या पीछे जो रखा है फूल का उसका है, मर लाल स्फटिकम ऐसे ही हम लोग देखते हैं। तो इसका कारण क्या है, उपाधि है, लाल वाला जो उपाधि है वो इसमें जो है अध्यारोप हो रखा है, इसलिए वो स्फटिक लाल इव दिखाई देता है। वैसा हम जो है वो परमात्मा के साथ संबंध में हम परमात्मा बनना चाहिए, मर क्या है परमात्मा को जो अपने स्तर पे खींच के लेके आके परमात्मा को भी जीव बना देते हैं हम लोग, अपना अज्ञान के कारण जो है हम परमात्मा को जीव बना देते हैं। दो तरीका है, एक जो है अपने को उन्नति करना है, दूसरा दूसरे को खींच के नीचे उतार देना। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, परदोष करते हैं, क्यों करते हैं परदोष, क्योंकि उतना स्थिति पे हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए उसको दोष देने से वो अपना स्तर पे आ जाएगा, बस समान तो लेना है, हम वहाँ नहीं पहुँच नहीं सकते तो क्या है,
उसको यहाँ खींच के लेके तो आ सकते हैं, बस हो गया बात, यही बात चलता है। तो ऐसा जो है परमात्मा के साथ ये जो जीवात्मा जो है संबंध रखता है, तब क्या है जीवात्मा परमात्मा बनना चाहिए, मगर क्या कर देते हम लोग अपना जो दोष है स्वाभाविक बाकी को खींच के नीचे उतारने का, वैसा जो दोष यहां पर भी आ जाता है, इसलिए परमात्मा भी क्या हो जाता है जीवात्मा रूप में बन जाता है। परमात्मा जीवात्मा नहीं होता है, परमात्मा जीवात्मा इव हो जाता है। यहां सब हमेशा वेदांत पढ़ते वक्त एक शब्द दिमाग में बिठाना चाहिए, इव इव इव, ऐसा जैसा हुआ जैसा, ऐसा जो है प्रयोग है इव, ये शब्द हमेशा याद रखना है। परमात्मा जीव हो गया इव, परमात्मा ईश्वर बन गया इव, परमात्मा जगत को सृष्टि किया इव, परमात्मा जगत रूप में परिणत हुआ इव, कुछ भी कहो परमात्मा के संबंध और अन्य कोई संबंध करके, तब क्या है वहां पर तुरंत इव एक जोड़ देना चाहिए इव। यहां परमात्मा कोई भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं प्राप्त कर सकता है, यदि परमात्मा में कोई प्रकार का बदलाव आया तो परमात्मा जो है परिवर्तित होने वाला है, और जो परिवर्तन होने वाला वो अपना स्वभाव ही खो बैठेगा, अपना स्वरूप में ही नहीं रह सकता है, अनित्य है जो परिवर्तित हो रहा है वो कौन है, अनित्य है। इसलिए अनित्य को जो है हम लोग मोक्ष रूप में परमात्मा रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वो परमात्मा बनने योग्य ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या है ये जो उपाधि के कारण, उपाधि के कारण मतलब फिर एक और उदाहरण ले लेंगे, एक तो स्फटिक दे दिया, हाँ स्फटिक तो दे दिया, आपको समझ में नहीं आता इतना जो है लोग स्फटिक तो एक ही है और वहाँ नीचे कपड़ा भी एक ही है, वो तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बाहर जो आकाश है इसको कहते हैं महाआकाश, बड़ा आकाश है बाहर, और एक कमरे में जो है आकाश क्या है, इस कमरे का आकाश, ठीक है इस कमरे में, इस कमरे में यहाँ पर जो है एक छोटा कमरा बना रखा है और वहाँ एक छोटा कमरा बना रखा है, उस कमरे के अंदर एक आकाश है, इस कमरे के अंदर एक आकाश है, इस बड़ा जो कमरे है इसके अंदर एक आकाश है। अभी इस कमरे में यहाँ पर इस परिसर में कितना आकाश है, तीन आकाश है, बाहर एक आकाश है महाआकाश है। इस कमरे में जो है तीन आकाश थोड़ी है, आकाश तीन थोड़ी बन सकता है, एक ही है, मगर ये जो कमरे के हिसाब से हम लोग आकाश को परिचिन्न इव कर देते हैं, इव परिचिन्न इव कर देते हैं। वैसा यहां पर दो चार दस गढ़ रख दिया तो, गढ़ा को जो है रख दिया तो गढ़ा में जो है कुछ नहीं है, खाली है, खाली गढ़ा में आकाश भर रखा है, तो गढ़ा में हर एक गढ़ा में एक एक आकाश है, तो अभी कितना आकाश हो गया, दस गढ़ा रखा हूं दस आकाश, एक कमरा एक आकाश और उस कमरा एक आकाश, उस कमरा आकाश भी तेरा आकाश हो गया है, मेरा आकाश नहीं है। अभी यहां पर ये गड़बड़ है, एक आकाश को जो है हम लोग कितना रूप में देख रहे हैं, दस बारह तेरह करके जो है इतना विलक्षण रूप में देख रहे हैं। तो यही जो है उपाधि है, उपाधि क्या है, ये जो परिच्छिन्न करने वाला, जो आकाश को परिच्छिन्न करने वाला ये जो घट, ये कमरा, ये सब जो है उपाधि है। बड़ा कमरा बड़ा आकाश ये ईश्वर है, छोटा घट छोटा आकाश ये जीव है, यही भेद है बस, कुछ नहीं है। ईश्वर क्या है, बड़ा आकाश है, और हम लोग जो है छोटा आकाश है, क्योंकि हमारा जो है छोटा गढ़ा है, ईश्वर का जो है बड़ा गढ़ा है ये जो कमरा है। तो इस भेद से क्या करते हैं, इसको ये जो परिच्छिन्न इव करता है, परिच्छिन्न नहीं है परिच्छिन्न इव, हाँ परिच्छिन्न इव जो करता है आकाश को, ये परिच्छिन्न इव जो करता है चैतन्य को, दृष्टांत तो हो गया है, कहानी सुन गया, अभी कहानी का जो दृष्टांत विषय क्या है, किस लिए जो कहानी बताए उसको बता रहे है। परिच्छिन्न इव जो करता है वह चैतन्य है, वो चैतन्य परिच्छिन्न इव हो गया है। अभी वो कौन करता है ये परिच्छिन्न इव, यहां तो गढ़ और जो है ये कमरा करता है, और वहां कौन करता है, ये माया, अपना ही जो है अज्ञान, मैं ब्रह्म हूं ये जो ज्ञान जब नहीं हो रहा है, वो अज्ञान क्या करता है हम लोगों को व्यवधान कर देता है,
परिचिन्न इव कर देता है, व्यवधान इव कर देता है, परिचिन्न इव कर देता है, हम लोगों को जो है एक भिन्न इव कर देता है। हम कभी जो है भिन्न नहीं है, किससे? परमात्मा से। परमात्मा एक ही है, उससे कौन कहाँ भिन्न हो सकते हैं? भक्ति के समय पे हम देखे परमात्मा एक ही है बोल के, तो यहाँ पर उस एक परमात्मा में जो है भिन्न इव नाना रूप इव जो दिखाई पड़ता है, ये सब किसका कारण है? उपाधि के कारण। उपाधि छोड़ के परमात्मा में कोई भेद आ ही नहीं सकता है, जैसा आकाश में कोई भेद नहीं आ सकता है बिना ये घट मटादी जो उपाधि है, वैसा ही परमात्मा में भी ये जो जीव ईश्वर रूपी जो उपाधि है उसको छोड़ के दूसरा कोई भेद रूप में नहीं बन सकता है। और जीव ईश्वर जो उपाधि है वो कौन जो है जीव और ईश्वरता को जो दे रहा है? जीव में जो है अविद्यात्व, ईश्वर में जो है मायात्व। ये माया का संबंध में ईश्वर बन जाते हैं और अविद्या का संबंध में जीव बन जाते हैं। हम लोग भले कह सकते हैं ईश्वर जो है ईश्वर को माया परिच्छिन्न नहीं करता इत्यादि, फिर भी जो है व्यवधान जब दूसरे से भेद करता है तब परिच्छिन्न हो गया है ईश्वर भी। किसी के साथ संबंध रखेंगे तो हम परिच्छिन्न हो ही गए हैं, संबंध ही परिच्छेदता है। परिच्छेदता मतलब पृथक्करण है, हम लोगों को दूसरे से भेद करवाने का कारण जो है संबंध ही है। पता है मैं कौन हूं? क्यों? मेरा जो संबंध है, मैं जिस खानदान से आया हूं, जिस वंश से आया हूं, वंश के साथ संबंध है, और जिन जिन को जानता हूं उस समूह के साथ संबंध है, यही जो है मुझे पृथक करता है, मैं पता है कौन हूं पूछते हम लोग। तो संबंध क्या है? हमको भेद कर देता है। कोई भी संबंध इसलिए जो है दोष युक्त ही है। तो माया के साथ संबंध होने के कारण वो ईश्वर बन जाते हैं, परिचिन्न हो जाते हैं, और अविद्या के संबंध कारण मैं जीव हो गया, परिचिन्न हो गया। तो परिचिन्न हो गया मतलब वहां क्या जोड़ना बताए हम लोग? इव। माया के संबंध में वो ईश्वर परिचिन्न हो गया इव। अविद्या के संबंध में मैं जीव परिचिन्न हो गया इव। तीनों काल में यहां पर परिचिन्नता कुछ नहीं है, फिर जैसा आकाश में जो है कोई व्यवधान कोई जो है भेद नहीं हो सकता है, आकाश आकाश ही है, मगर परिच्छिन्न हुआ जैसा जो दिखाई देता है उसके कारण क्या है? ये अज्ञान। और ये जो जहक अजह लक्षण के लेके जो है यहां पर ये जो माया के संबंध में जो चैतन्य है और अविद्या के संबंध में जो चैतन्य है, ये दोनों में भेद जो दिखाई पड़ता है वो केवल दिखाई पड़ता है, वो सत्य नहीं है, ये दिखाना है हम लोगों को। जैसा रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो केवल दिखाई पड़ता है, वो सत्य नहीं है, वैसा ये जो माया और अविद्या के संबंध में जो चैतन्य रहता है वहां पर जो भेद है वो केवल दिखाई पड़ता है, सत्य नहीं, इसको जो है समझना है। किसके द्वारा? जहत अजहत लक्षण के द्वारा। तो इसलिए इस जहत अजहत लक्षण को जो है विस्तार रूप से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।